करने के लिए आपके कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं, जनसंपर्क में क्या 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 काम कर रहे हैं, बाकी प्रत्याशी जैसे जनसंपर्क करते हैं, आप में और उनमें क्या अंतर है? ये अंतर ये है सर कि बाकी लोग के दिमाग में ये माइंड मेकअप है कि हम शराब पिलाएंगे, और भी चीज़ें जो है शराब और जो है पैसे का प्रलोभन देंगे, जो है सैद्धांतिक मुद्दों से हट के जो है उनको प्रलोभन देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा उत्कर्ष पत्रिका पर, मेरे साथ और मैं हूं अनुराग मिश्रा। चुनावी यात्रा में रामकोला क्षेत्र में हम हैं, रामकोला ब्लॉक में उर्धा ग्राम सभा में, उर्धा ग्राम सभा में जहां प्रत्याशियों की भरमार लगी हुई है। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव एक अलग मुद्दे पर लड़ रहे हैं। उनसे कुछ जानेंगे, उनकी बात जानेंगे, उनसे ये भी जानेंगे कि चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा। उनका नाम है मंटू मिश्रा। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपने हमसे बताया कि आपके चुनाव लड़ने का तरीका दूसरा होगा, आप बाकी प्रत्याशियों से अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिर ये बताया कि आपने जो है ग्राम प्रधान पद ही क्यों चुना चुनाव लड़ने का? इसलिए चुना कि पहले भी हम पिछले 15 सालों से सोशल वर्क करते रहे, और उस सोशल वर्क करने के दौरान बहुत से ऐसे गांव के अनपढ़ लोग थे, या मान लीजिए दरखास्त नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं सुनता था, उनका सारा काम जो है हम वर्क करते थे। इसी पीड़ा को लेकर जो है हम एक प्रधान का पद चुने, चूँकि राजनीति से बहुत दूर दूर तक हमारे घर का हमारा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि लोग अनपढ़ गरीब लोग दर दर फिर रहे थे, कोई दरखास्त नहीं लिख रहा था, कोई उनका विड्राल नहीं भर रहा था, कोई उनकी दुख पीड़ा को नहीं समझ रहा था, इसलिए हम इन सब बातों के वजह से राजनीति में आए। और हमारे अंतर मन में एक पीड़ा है कि इन लोगों का अधिक से अधिक सहयोग करना है, चाहे किसी भी फील्ड से हो, इनको सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक दिलवाना है, ताकि जो है हम भी संतुष्ट रहें और गांव का जो भी विकास काम है, जो अधूरा है, जो अब तक नहीं हुआ है, वो सब भी पीड़ा हमारे अंदर है कि ग्राम के अंदर बहुत सी पंचायतें गठन हुई, आई और गईं, लेकिन आज तक जो संतुष्टि वाला काम था वो नहीं हुआ था। इन सब बातों को लेकर हम राजनीति में आए, और एक 15 साल पहले ऐसा एक मोड़ आया जिसको लेकर हम राजनीति में आए। उन लोगों का पीड़ा देखा नहीं गया कि जो छोटे से छोटे गांव के लोग छोटे से छोटे काम के लिए अधिकारी से बात नहीं कर पा रहे थे, उनका कोई काम नहीं हो पा रहा था, तो हम उनके साथ जाते हैं, बढ़ चढ़ के जाते हैं और अधिकारी से बात करते हैं, उनका काम भी होता है। चूँकि रूरल एरिया होने की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आम लोग नहीं कर पाते थे, उस तक नहीं पहुंच पाते थे, चाहे वो तहसील का काम हो, जिला का काम हो, ग्राम सभा का काम हो। और हम आपको नहीं लगता है कि ग्राम सभा में जो ग्राम प्रधान होता है उसका काम सब बस यहीं तक सीमित है? और भी सारे जो विकास कार्य हैं उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं, सड़क है, शौचालय है, बिजली है, पानी है, ये भी जिम्मेदारी होती है, तो कहीं नहीं लगता है कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप निभा पाएंगे? जी, जिम्मेदारी हमें आदत में है, जिम्मेदारी तो हम बखूबी निभाते हैं, बिना पद के निभाए हैं। और जहाँ तक ग्राम सभा के लोगों की बात है, वो ग्राम सभा एक प्रतिनिधि इसलिए चुनता है कि वो हमारे सुख दुख से लेके और किसी भी ग्राम सभा के काम को, किसी बात को ऊपर के पटल तक पहुंचाए, BDO तक, SDM साहब तक, DM साहब तक, ताकि जो कोई भी समस्या हो, चाहे सड़क का हो, नाली का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो जो है काम अपने स्थान पर हो। हमारे अंदर ये चीज़ है कि जो काम ब्लॉक स्तर पर BDO के पास जाएंगे नहीं होगा, SDM साहब के पास जाएंगे, DM साहब के पास जाएंगे, कहीं से न कहीं से मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, कहीं से न कहीं से अगर जो काम है, जायज है, जीनुअन है, तो उस काम को हमको कराना है गांव के लिए, और हम उसके लिए किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, किसी भी मुद्दे तक जाने के लिए तैयार हैं, हर मुद्दे का हल हम जो है बढ़ चढ़ कर, वो चाहे किसी भी स्तर का हो, उसको हम गाँव के लिए हल कराएंगे। आप क्या मानते हैं कि बाकी प्रत्याशियों से आप में क्या भिन्न है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाकी प्रत्याशियों से आपको अलग करती है जीत के लिए? बाकी प्रत्याशी सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि हम प्रधान होंगे, पैसा कमाएंगे,
और जो है हम अपने हिसाब से रहेंगे। हमारे अंदर ये काम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत पीड़ा है, उस पीड़ा के वजह से हम राजनीति में आए हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, और उसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। एक लास्ट आदमी तक के लिए, एक सबसे निचले स्तर के आदमी के लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे और उसको उसका हक दिलवा के रहेंगे, चाहे किसी भी स्तर से वो हक मिले, चाहे नीचे स्तर से मिले, चाहे हमको ऊपर के स्तर पर जाना है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि गाँव के मुद्दों के लिए, काम के लिए हम पहले भी बढ़ चढ़ के सारा सोशल वर्क कर चुके हैं और वो करते रहेंगे और करेंगे भी, और इसी चीज़ों को लेकर जो है हम राजनीति में आए हैं और प्रधान का पद एक चुने हैं कि एक प्रधान पद से अपने राजनीति के स्तर का हम शुरुआत करें। कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं, जनसंपर्क में क्या काम कर रहे हैं, बाकी प्रत्याशी जैसे जनसंपर्क करते हैं, आप में और उनमें क्या अंतर है? ये अंतर ये है सर कि बाकी लोग के दिमाग में ये माइंड मेकअप है कि हम शराब पिलाएंगे और भी चीज़ें जो है, शराब और जो है पैसे का प्रलोभन देंगे, जो है सैद्धांतिक मुद्दों से हट के जो है उनको प्रलोभन देंगे, हम आपको आवास देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो हमारे अंदर नहीं है। चूँकि हम फंसाने में नहीं, सच्चाई में जीने वाले इंसान हैं, तो हम सच्चाई के साथ चलते हैं। और हमारा काम है कि हर व्यक्ति को पद पाने के बाद जो है, मैं इसी तरह जैसे आज मैं रन करता हूँ कि घर घर जाता हूँ, सबसे हालचाल पूछता हूँ, उसका सुख दुख पूछता हूँ, और बिना पद पे रहते हुए जितने हमारे अंदर हमारा क्षमता था या है वो जो है लोगों का मदद करते हैं। तो आगे जब पद आएगा तो हमारी भिन्नता ये होगी कि हम हट के जो है, जैसे रोज़ हम हालचाल पूछते हैं, हालचाल पूछेंगे और घर घर जाएंगे, जो किसी का आवास पेंशन या कोई भी काम नहीं हुआ है उसको हम जो है एक डायरी मेंटेन करेंगे, इनके घर गए, इनसे पूछेंगे आपका क्या क्या है, आप पेंशन बनवाता है, आवास आपको आज तक नहीं मिला है या कोई और चीज़ है, वो हम डायरी को नोटेट करेंगे और नोटेट करके उस पर जो है हम आगे काम करेंगे। हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति को, निचले तबके को, किसी को भी किसी काम के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हम तीन मुख्य काम जो आप ग्राम सभा में नहीं हुए हैं वो आप ग्राम सभा में करवाएंगे, वो बताइए। सबसे पहले कि जैसे जो पेंशन आवास वगैरह जिनको नहीं मिला है, तो सबसे पहले हम उनका नोटेट करके और उसको जो है किसी भी काम के लिए किसी को भी किसी अधिकारी के उसमें दफ्तर में भटकना नहीं पड़ेगा, उनके घर से कागज जाएगा और उनके घर पे जो है काम आएगा। और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, दूसरा बिंदु यह है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसको अधिक से अधिक ग्राम सभा के लोगों तक पहुंचाना है हमको, और इसी मुद्दे के साथ जो है हम इस चुनावी समर में आए हैं और एक प्रधान का पद चुने हैं कि जिससे हम एक राजनीतिक उसका स्तर का शुरुआत कर सकें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ ग्राम उड़दहा के ग्राम प्रधान प्रत्याशी मंटू मिश्रा जी। इनका कहना है कि हम ग्राम सभा में विकास के लिए तमाम सारे मुद्दे उठाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक जाएंगे। हालांकि हर सभी प्रत्याशी गांव वालों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने लोगों से बात करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन देखना है कि कितनी सच्चाई है इनमें, चुनाव जीतने के बाद से किस तरह के विकास ग्राम सभा में होंगे। ऐसे तमाम बड़ी कवरेज हमारे साथ जारी रहेगी उत्कर्ष पत्रिका में। मैं हूँ अनुराग मिश्रा, शुक्रिया।